वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पे ही वीडियो बनाता हूँ, बट अभय सर के कहने पर और सारे स्टूडेंट्स का इस साल बोर्ड है, उस बेसिस पे मैं क्लास टेंथ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के सारे लेक्चर्स को अपलोड करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। आज हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, उसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, सेट फर्स्ट, जो कि हमारा पेज नंबर 200 पे है। तो व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट को अपने लेक्चर्स में पढ़ा था, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर एक्सेट्रा कनेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स इन सच ए वे सो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अकर इजली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिकली कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गया, कैपेसिटर हो गया, और ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं जिससे क्या हो, हमारे चार्जेस का फ्लो हमेशा कंटिन्यू मेंटेन रहे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो हम लोगों को पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है। यहाँ पे क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब होती है, और टाइम हमारा क्या होता है, सेकंड में होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम्ब पर सेकंड, और हम लोगों को पता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज। तो हम लोगों को क्यू कितना दे रखा गया है, 1 कूलॉम्ब दे रखा गया है, और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, हम लोगों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है कि क्यू इक्वल्स टू एनी होता है, तो हम लोगों को पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोगों के पास एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ई, दैट इज़ 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली व्हाट वी गेट एन इक्वल्स टू 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली हमारे 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। हमारा कूलॉम्ब होता है बेसिकली, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, सेट टू, जो कि हमारा पेज नंबर 202 पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ए डिवाइस डेट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। को एक ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो क्या करे, कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। तो हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली कंडक्टर के अक्रॉस हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, हमारा सेल मेंटेन करता है या हमारी बैटरी मेंटेन करती है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, अगर हमारा ये कंडक्टर है और इनके दो पॉइंट्स ए और बी हैं, तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो हम लोगों को पता है वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू होता है, ठीक। तो अगर हम लोग अपने वर्क को 1 जूल कर दें और अपने चार्ज को 1 कूलॉम्ब कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को 1 वोल्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हमारा 1 जूल वर्क डन हो 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग 1 कूलॉम्ब बोल देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलॉम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। हम लोगों के पास वोल्टेज कितना दे रखा गया है, 6 वोल्ट दे रखा गया है, और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है, डब्ल्यू होती है, और क्यू कितना दे रखा गया है हम लोगों को, क्यू हम लोगों को 1 कूलॉम्ब दे रखा गया है। V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हमारे यहाँ से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 6 × 1, डैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू 6 जूल। तो हमारा कितना वर्क डन निकल के आएगा, हम लोगों का जो एनर्जी होगी बेसिकली वो 6 जूल होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने सेट टू के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, सेट थ्री, जो कि हमारा पेज नंबर 209 पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किन फैक्टर्स पे हमारा जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, ये क्या करता है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे कंडक्टर की जो क्या बिहेव, जो चार्जेस को अपोज करती है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली हमारे लेंथ ऑफ द वायर, हमारे लेंथ पे डिपेंड करता है, हमारे एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एरिया के।
और अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो अगर हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो करंट जो फ्लो करेगा वो थिक वायर में ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा कि थिन वायर में फ्लो करेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन दे रखी गई है कि हमारा जो मटेरियल होगा वो दोनों वायर का सेम रहेगा और वो जिस एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड होंगे वो भी हमारी सेम होगी। हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। तो अगर हमारा यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो बेसिकली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर हम लोग थिक वायर के बारे में बात करें तो थिक वायर का बेसिकली क्या है, एरिया ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। और अगर हम लोग थिन वायर की बात करें, इसका एरिया कम है और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेसिकली जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, उसमें करंट जो है आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हमारे सेकेंड वायर जो कि हमारा थिन वायर है, इसका क्या है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट जो है आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। और हमारा जो थिक वायर है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इस वजह से इसमें आसानी से करंट हमारा फ्लो कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रखते हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिक्रीज़ कर देते हैं, सपोज़ कर लिया अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसको डिक्रीज़ करके हम लोग V by 2 कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वॉट चेंजेस विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो क्या चेंजेस अकर होंगे बेसिकली हमारे करंट की वैल्यू में। तो अगर हम लोग इनिशियली देखें तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हमारा I इक्वल्स टू क्या होगा, V by R होगा। तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगी, मीन्स जब हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी। और क्या होगा, जब हमारा जो V है, अब हमारा V क्या हो रहा है, हमारा V डैश जो है V by 2 के बराबर हो जाएगा, और R हमारा क्या हो जाएगा, R ही रहेगा, और यहाँ से I क्या हो रहा है, I डैश हो रहा है। अगर अब हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे तो हम लोगों के पास I डैश क्या आएगा, V V डैश डिवाइडेड बाई R। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो I डैश इक्वल्स टू V by 2 R हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो I डिवाइडेड बाई I डैश इक्वल्स टू V बाई R डिवाइडेड बाई V बाई 2R, ये हो जाएगा। तो यहाँ से I डिवाइडेड बाई I डैश इक्वल्स टू, ये हमारा डिवीजन में तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये V डिवाइडेड बाई R इंटू 2R डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। तो ये V इंटू V कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो हम लोगों के पास I अपॉन I डैश इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा I डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई 2I। तो इस तरीके से जो हमारा करंट होगा वो 1/2 टाइम्स, मींस हाफ टाइम्स होगा हमारे ओरिजिनल करंट के। मींस हमारा जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिक्रीज करेगा V by 2, तो हमारा करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हमारा करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो यहाँ से हम लोगों ने थर्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिया अच्छे से। आप लोग इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एन अलॉय रदर देन ए प्योर मेटल। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स होते हैं और हमारे जो आयरन्स होते हैं, ये अलॉय से क्यों बने हुए होते हैं और ये प्योर मेटल से क्यों नहीं बनते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न क्या होता है, बेसिकली जो हमारे एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन और हमारा इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है, बेसिकली ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ से अगर हमारा एलॉय जो है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हम लोग प्योर मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग एलॉय का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्योर मेटल होता है इसकी जो है इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसमें आसानी से करंट जो है फ्लो करता है। बट हमारा जो एलॉय होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट शो हो जाता है।
अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें जो हमारे एलॉयज होते हैं, दे डू नॉट बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर। जो भी हमारे एलॉयज होते हैं इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं, ये बर्न नहीं होते हैं, इसलिए जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो यूज़ द टेबल 12.2। बेसिकली यहाँ पे NCERT में टेबल दे रखी गई है 12.2 पे, उसको आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप लोगों को आयरन और मरकरी की रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। बोल रहा है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हम लोगों को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। तो बेटर कंडक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों को पता है R=ρL/A। मीन्स जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा तो उतना ही बेटर हमारा क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो यहाँ से हमारी आयरन की रेजिस्टिविटी क्या दे रखी गई, 10×10⁻¹, और यहाँ पे हमारी मरकरी की रेजिस्टिविटी क्या दे रखी गई, 94×10⁻¹ ओम मीटर। तो यहाँ से हमारी आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, तो हमारा जो आयरन होगा वो क्या होगा, वो बेटर कंडक्टर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग इसको ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। अब कौन सा मटेरियल जो होगा बेसिकली वो हमारा बेस्ट कंडक्टर होगा। तो जब आप लोग जो है NCERT की टेबल देखेंगे तो वहाँ पे जो है सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो है बेसिकली सबसे कम दी गई है। तो हम लोगों को पता है कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा, और जब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें जो है करंट जो है सबसे आसानी से फ्लो होगा। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। सेट 4 जो कि हमारा पेज नंबर 213 पे NCERT की बुक में दिया गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव टू ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट एंड ए 5 ओम रजिस्टर एंड ए 8 ओम रजिस्टर एंड ए 12 ओम रजिस्टर एंड ए प्लग की ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जितना भी कनेक्शन दिया गया है बेसिकली सीरीज में दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास एक 5 ओम रजिस्टर दिया गया है, एक हम लोगों के पास 8 ओम रजिस्टर दिया गया है, और एक हम लोगों के पास 12 ओम रजिस्टर दिया गया है। और ये किससे कनेक्टेड है, ये बेसिकली हमारी जो है 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो 3 सेल्स बेसिकली क्या होंगे हमारे, 3 सेल्स 2 वोल्ट के होंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 वोल्ट हो जाएगी। और इनमें क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम लोग प्लग की का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एमीटर का अभी कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक प्लग की बना देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों के पास इसका क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास इसका सर्किट डायग्राम आ जाएगा। सर्किट डायग्राम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम लोग जो है अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो सर्किट डायग्राम कहलाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को उसका सर्किट फिर से बनाना है, और इसमें हम लोगों को क्या करना है, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट। हम लोगों को एक एमीटर जोड़ना है जो कि करंट को मेजर करेगा थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्टामीटर। हम लोगों को एक वोल्टामीटर जोड़ना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। और जो वोल्टामीटर हम लोग लगाएंगे वो किसके अक्रॉस लगाएंगे, वो हम लोग 12 ओम के अक्रॉस लगाएंगे। तो वॉट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टामीटर। तो हमारी जो रीडिंग होगी एमीटर और वोल्टामीटर की वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्किट बनाएंगे जिसमें हम लोगों को क्या दे रखा गया है, हम लोगों को 5 ओम दे रखा गया है, हम लोगों को एक 8 ओम रजिस्टेंस दे रखा गया है, और एक हम लोगों को क्या दे रखा गया है, 12 ओम दे रखा गया है। तो 12 ओम के अक्रॉस हम लोग क्या करना है, हम लोगों को वोल्ट मीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर जब हम लोगों ने पढ़ा तो वह हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा वोल्ट मीटर हमेशा जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक एमीटर लगाना है करंट मेजर करने के लिए। पहले अपनी बैटरी लगा देंगे 6 वोल्ट की, तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एमीटर लगा देंगे जो कि हमारा माइनस प्लस होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने सर्किट डायग्राम को मेज़र कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है हम लोगों को रीडिंग्स बतानी है एमीटर और वोल्टामीटर में। मीटर जो है हमारे करंट की रीडिंग को मेज़र करेगा, और हमारा वोल्टामीटर क्या करेगा, हमारा वोल्टामीटर जो है बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा। यहाँ से अगर हम लोग करंट की वैल्यू को फाइंड करें तो हम लोगों के पास रेजिस्टेंस कितना है, डेट इज़ 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम जो कि हमारा हो जाएगा 25 ओम, और हम लोगों के पास वोल्टेज कितना दे रखा गया है, 6 वोल्ट दे रखा गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो V=IR होता है, तो I=, क्या हो जाएगा, V/R। तो V की वैल्यू हमारे पास 6 है और R की वैल्यू हमारे पास 25 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0. ये 2 जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो
तो 0.24। बस करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इक्वल्स टू 0.24 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने करंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 12 ओम के अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। हम लोगों के पास करंट की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.24 एम्पियर, और हम लोगों के पास रेजिस्टेंस पता है 12 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 ओम के अक्रॉस जब निकालेंगे तो V की वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 0.24। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हम लोगों को क्या मिलेगा, 2.88 वोल्ट। हम लोगों को अपने वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग मिलेगी, 2.88 वोल्ट, सेट 5, जो कि हमारा पेज नंबर 216 पे है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा गया है, 1 ओम जो हमारा 10^6 ओम के साथ पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा ये 1 ओम दिया गया है और ये हमारा 10^6 ओम दिया गया है। ये किस तरीके से कनेक्टेड है, ये बेसिकली पैरेलल कनेक्टेड है। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1R इक्वल्स टू 1/R1+R2, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को बताया था, R1 × R2 / R1+R2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10^6 × 1/10^6 + 1। तो बेसिकली हम लोग 10^6 जो कि बहुत लार्ज यूनिट है, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसकी अप्रॉक्स वैल्यू को देखें तो ये 10^6 / 10^6 होगी, जो कि हमारे 1 ओम के बराबर होगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लोगों के पास R इक्वल्स टू 1 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अपने सेकंड न्यूमेरिकल को देखें तो ये क्या बोल रहा है, 1 ओम, 10^3 ओम, and 10^6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग इनका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, दैट इज 1 ओम, 10^3 ओम, and 10^6 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वी है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R = हमारा आ जाएगा 1/1 + 1/10^3 + 1/10^6। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास 1/R = कितना आएगा, दैट इज 10^6। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो 1 + 10^3 + 10^6। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस बेसिकली कितना आ जाएगा, अब हम लोग 1/R को क्या कर रहे हैं, R में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा 10^6 ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म हमारा नीचे आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10^6 1 + 10^3 + 10^6। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो अप्रॉक्स में अगर हम लोग इसका आंसर फाइंड करें तो बेसिकली 10^6 हमारा 10^6 से डायरेक्टली कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 1 ओम के अक्रॉस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके इसका रिजल्टेंट एक्यूरेट आंसर बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए रोस्टर ऑफ 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो है सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोगों का क्या है, सबसे पहले हम लोगों का 100 ओम, 50 ओम और हमारा जो है 500 ओम, ये किस तरीके से कनेक्टेड है, ये बेसिकली जो है ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने, इसका यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कर दिया है और ये हमारा 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। उसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स डैट टेकन एज मच एज करंट एज ऑल द 3 एप्लियंसेस एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। पहले हम लोगों को इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों के पास क्या होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 1/R = हो जाएगा 1/100 + 1/50 + 1/500। हम लोग इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसका एलसीएम 500 आएगा, 100 × 5 = 500, 50 × 10 = 10 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 500 / 16। तो यहाँ से बेसिकली जब हम लोग R इक्वल्स टू 500 / 16 को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट 13.2 अप्रॉक्स। तो यहाँ से हम लोगों के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.2
और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों के पास वोल्टेज कितना दे रखा गया है, 220 वोल्ट दे रखा गया है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम लोगों को क्या पता है, V इक्वल्स टू IR पता है। तो हमारी I की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइडेड बाय R। तो I क्या हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय 31.2। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट वी गेट I इक्वल्स टू 7.04 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और करंट भी फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम लोग जो है पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हम लोगों के पास पहला एडवांटेजेस ये होता है कि सपोज करिए हम लोगों का क्या है, सीरीज़ का सर्किट है, यहाँ से हम लोग सीरीज़ के सर्किट को लेके चलते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। तो अगर हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, मींस अगर हमारा ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बेसिकली अगर ये ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ से हमारा पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे के कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं कर पाएंगे। मींस अगर हमारा एक जगह पे प्रॉब्लम है तो हमारी सारी जगह पे प्रॉब्लम होगी। अगर हम लोग पैरेलल की बात करें तो अगर हम लोग ये पैरेलल का सर्किट देखें, अगर हम लोगों का यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली, तो क्या होगा, यहाँ पे तो करंट डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब करंट डिवाइड होगा तो ये हमारा अगर एलिमेंट ख़राब भी हो जाता है तो ये वाला एलिमेंट तो हमारा काम करता रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन वन रजिस्टर फेल्स द होल सर्किट इज़ ब्रोकन। अगर एक रजिस्टर ख़राब हो जाता है तो पूरा सर्किट ख़राब हो जाता है। डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट एंड इन केस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन द करंट रिमेंस द सेम, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। अब हम लोगों को क्या पता है कि यहाँ से हम लोगों ने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो जब करंट डिवाइड हो रहा है तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट करंट के अमाउंट पे वर्क करती हैं। बट अगर हम लोग सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ जो है हम लोगों को एक ही करंट मिलेगा। अगर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर मिलेगा, भले ही हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो ये क्या होता है, इसका मेजर ड्रॉबैक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जगह पे। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, कि टोटल रेजिस्टेंस इज़ लेस एज कम्पेयर टू द सीरीज़ रेजिस्टेंस। हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं CBSE से, बट ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ईजी है, वहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़े घुमा फिरा के पूछते हैं जिससे स्टूडेंट्स का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को सब कुछ पहले से माइंड में होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है कि हम लोगों को इन रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हम लोगों को 4 ओम रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है हम लोगों को 4 ओम मिले। और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को इन रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम मिले। तो हम लोगों का ए पार्ट में क्या कह रहा है, हम लोगों को 4 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम लोगों के पास R1 कितना दिया गया, हम लोगों के पास R1 2 ओम दे रखा गया है, R2 हम लोगों के पास कितना दे रखा गया है, 3 ओम दे रखा गया है, और R3 कितना दे रखा गया है, 6 ओम दे रखा गया है। ये हम लोग लेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को इन तीनों रेजिस्टर्स को इस तरीके से अटैच करना है कि हम लोगों को अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के लिए बेसिकली हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से तो सारे स्टूडेंट्स नहीं बता सकते ना किस तरीके से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो एक बार में सही करने के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 ओम को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैरेलल में हम लोग जो है 3 ओम और 6 ओम को कनेक्ट करेंगे। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास 1/R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/R2 प्लस ऑफ 1/R3। को लेक्चर्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए गए हों तो हम लोगों के पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, दैट इज़ R इक्वल्स टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो R2 की वैल्यू हमारी 3 है और R3 की वैल्यू 6 है, और यहाँ से हम लोगों के पास 3 प्लस 6 आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज इक्वल्स टू R हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो अब ये जो हमारा सर्किट है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 ओम ये आ गया और यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल गया, यहाँ पे हम लोगों को 2 ओम मिल गया। तो अब हम लोग जो है जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे R
इक्विवेलेंट हम लोग कह सकते हैं, तो क्या होगा, R प्लस R1 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना चाहिए, R इक्वल्स टू 1 ओम चाहिए। तो अगर हम लोग जो है अपने सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, दैट इज 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को एक पॉइंट देखना होगा कि हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोगों को रेजिस्टेंस कम चाहिए। और जब भी हम लोगों को कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3। तो आप हम लोग इसको सॉल्व करके जब देखेंगे तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। वन अपॉन आर इक्वल्स टू हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 6, ये आ जाएगा हम लोगों के पास 2, 3 जा तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 6 बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 1। हम लोगों के पास आर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो अब हम लोग सेट 6 जो कि हमारा पेज नंबर 218 पे है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट इज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा कॉर्ड होता है एल्युमिनियम और कॉपर का बना हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिन एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वो जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर है वो क्या करता है, वो ग्लो नहीं करता है। अगर हम लोग हीटिंग एलिमेंट की बात करें थोड़ी सी, तो हमारा जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो एलॉयज से बना हुआ होता है। तो एलॉयज के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैं ये बता चुका हूँ कि जिन एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एलॉय है वो तो ग्लो कर जाता है, बट हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि मेटल से मिलकर बेसिकली बना होता है वो ग्लो नहीं कर पाता है। अगर हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन वन आर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे हीट फाइंड करनी है। हम लोगों को चार्ज दे रखा गया है क्यू इक्वल्स टू 96,000 और टाइम दे रखा गया है 1 आवर। सबसे पहले हम लोग अपने टाइम को जो है सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60, डैट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। और यहाँ पे हम लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज, हम लोगों को वोल्टेज दे रखा गया है 50 वोल्ट। तो हम लोगों को पता है एच इक्वल्स टू क्या होता है, वी इंटू आई इंटू टी। तो हम लोगों के यहाँ पे आई की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हम लोगों के पास होगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास चार्ज कितना है 96,000 कूलम और हम लोगों के पास टाइम कितना है 3600। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएंगे और इसको हम लोग 2 से काटते हैं, तो बेसिकली हम लोगों के पास कितना आ जाए 480। तो हम लोगों के पास यहाँ से करंट की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी, जब हम लोग 3600 को 96,000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास आई इक्वल्स टू आएगा 26.6 एम्पीयर। तो यहाँ से अगर हम लोग अपनी हीट की बात करें तो हमारे पास एच इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज हम लोगों को 50 वोल्ट दे रखा गया, करंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 26.6 इंटू टाइम हम लोगों को कितना दे रखा गया है 3600 सेकेंड। तो अपने हीट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है और हम लोगों को क्या पूछ रहा है, हम लोगों को हीट पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने गिवन में लिख लिया, इसी तरीके से हम लोग करंट लिख लेंगे, दैट इज 5 एम्पीयर। और हम लोगों के पास टाइम कितना दे रखा गया है 30 सेकंड्स दे रखा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को हीट फाइंड करना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल्स टू बेसिकली वी इंटू आई इंटू टी। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है V की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले V की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो V हमारा क्या हो जाएगा, I हमारे पास कितना है 5 एम्पेयर है और हमारे पास R कितना है 20 ओम। तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना वोल्टेज फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी हीट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू H। तो H हमारा क्या हो जाएगा 100 इंटू आई हमारे पास कितना है, हम लोगों के पास 5 एम्पेयर है और टाइम हम लोगों के पास कितना है 30। तो 35 जगह कितना हो जाएगा 150 और ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अपनी हीट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1.5 × 10⁴ जूल।
सेट 7 जो कि हमारा पेज नंबर 220 पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिवाइड बाय ए करंट। तो ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिटरमाइन करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, पी इंटू टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम ए 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास करंट कितना दिया गया है, दैट इज आई इक्वल्स टू 5 एम्पेयर, और हम लोगों के पास वोल्टेज कितना दे रखा गया है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर, तो हम लोगों को यहाँ पे पावर बतानी है, दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। हम लोगों को पावर बतानी है और एनर्जी बतानी है, और टाइम हम लोगों को कितना दे रखा गया है, 2 आवर दे रखा गया है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसकी पावर बताएंगे, तो वी हैव पी इक्वल्स टू वी आई। तो यहाँ से हमारी पावर क्या हो जाएगी, वोल्टेज हम लोगों को 220 वोल्ट दिया गया है और आई हमारे पास कितना है 5 है, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी 1100 वॉट। पावर हमारी क्या हो जाएगी 1100 वॉट, और एनर्जी हमारी क्या होती है, किलो वॉट आवर में होती है। तो हम लोग इस पावर को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पावर को किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारी वॉट में है, अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1100 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास ये किलो वॉट में आ जाएगी। तो हम लोगों के पास पावर कितनी आ जाएगी, हम लोगों के पास बेसिकली जो है 1.1 किलो वॉट पावर हमारी आ जाएगी। और यहाँ से हम लोगों के पास टाइम कितना दे रखा गया है, 2 आवर दे रखा गया है। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलो वाट आर होती है। तो हम लोग यहाँ से टाइम को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमारी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू पी, पावर कितनी है हमारी 1.1 और टाइम कितना है हमारा 2, दैट इज ई इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 2.2। हम लोग इसको यूनिट भी कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको किलो वाट आर भी कह सकते हैं, 2.2 किलो वाट और 2.2 यूनिट।